अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने सनातन बोर्ड की मांग की है। साथ ही साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि भारत में हिंदू प्रताड़ित है। साध्वी प्रज्ञा अब साध्वी प्रज्ञा ने बार बार ये मांग पहले भी की है कि हिंदू हित की बात करने वाला एक कोई ऑर्गेनाइज संगठन नहीं है, इसीलिए एक सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। भारत में आपको अवगत करा दें कि कम से कम 8 से 9 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां हिंदू माइनॉरिटी में हैं, लेकिन उन्हें माइनॉरिटी की रिकग्निशन नहीं दी जाती। साध्वी प्रज्ञा का मानना है कि विश्व भर में ही नहीं पर भारत में भी, यानी हिंदुस्तान में भी हिंदू प्रताड़ित है और हिंदू हित के लिए एक सनातन बोर्ड के गठन की आवश्यकता है, और जिसकी मांग सांसद साध्वी प्रज्ञा ने की है। अभी कल ही कनाडा में फिर से हिंदू हित पर आघात, एक हिंदू मंदिर पर आघात की बात आई, जहां मिसुआगा में राम मंदिर पर कुछ लोगों ने आकर वहां पर गलत सलत मैसेजेस लिखे, उस मंदिर के साथ फिर से बेअदबी की गई। इसके बाद कुछ ही दिन पहले एक साथ 14 मंदिरों पर रातों रात अटैक हुए थे बांग्लादेश में। ऑस्ट्रेलिया में भी कई हिंदू मंदिरों पर अटैक हुआ था। इस पर साध्वी प्रज्ञा का कहना कि एक सनातन बोर्ड की आवश्यकता है, जिसकी मांग वो कर रही हैं। समंदर का पानी उछाल मारकर सड़कों पर आने लगा, जो लोगों के लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि अभी इस तूफान से वहां और तबाही मच सकती है। बताया जा रहा है कि कई इलाकों में तो हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि वहां राहत बचाव के काम में भी बहुत मुश्किलें आ रही हैं। और यही वजह रही कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने गैब्रियल तूफान से बिगड़े हालात को देखते हुए देश में इमरजेंसी लागू करने का ऐलान कर दिया। We have the defense force on the ground now. न्यूजीलैंड की सरकार की तरफ से समुद्र किनारे मौजूद इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की गई कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है, वहां हालात और बिगड़ सकते हैं। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद हो गया। आरोप है कि वहां जमीन खाली कराते वक्त एक झोपड़ी में आग लगा दी गई, जिसमें जलकर एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई। कार्रवाई आगे की जानी है, वो सख्ती से की जाएगी, किसी भी दोषी को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। जिसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए आई टीम के करीब 25 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया। वहीं इस घटना के बाद वहां पहुंची राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया।